सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। और अभी हमारा है सेकंड डे हैदराबाद में, और आज ही हम आ गए हैं मैच खेलने। यहाँ पे अपने जीजा के साथ आया हूँ मैं यहाँ पे, जहाँ क्रिकेट वहाँ इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है। बाकी अभी मैच चल रहा है, पीछे आपको दिखाता हूँ। सीन ये है कि अभी मैच खेल के चल जाएंगे 5-6 बजे तक, उसके बाद थोड़ी बहुत जान रही तो कहीं बाहर घूमने जाएंगे, वरना फिर वही घर पे रहेंगे। फिर कल जाएंगे बाहर कहीं। बाकी अभी बहुत गंदी परफॉर्मेंस चल रही है हमारी टीम की, मतलब लास्ट मैच इतना बुरा भी नहीं आ रहे, आखिरी में मैंने आगे 3 छक्के मार दिए थे फिर, लेकिन उन्होंने उतारा 8 डाउन समथिंग मुझे। लेकिन हाँ, उससे अगले मैच में ओपनिंग गया था, उसके में भी लाइक 3 छक्के लगातार हमारे बट फिर आउट हो गया था, तो थोड़ा और खेलना चाहिए था। तो यहाँ पे जितने भी प्लेयर हैं मोस्टली सारे ऑफिसर्स हैं, लाइक इनकम टैक्स में या जीएसटी में इंस्पेक्टर लेवल की रैंक पे है। और बाकी मेरे जीजा भी इंस्पेक्टर ही हैं यहाँ पे, कोई फालतू फालतू होगा मेरे से रेड पड़वा लूँ मैं इनकम टैक्स की। यार इधर गर्मी इतनी ज़्यादा है ना कि मतलब 28 डिग्री टेम्परेचर है बट फील हो रहा है 40। अभी हम गाड़ी में भी आ रहे थे तो एसी में भी पसीने आ रहे थे, यहाँ पे इतनी गर्मी लग रही है। बट शाम तक मौसम प्लीजेंट हो जाता है और रात को थोड़ी बहुत ठंड हो जाती है। बज रहे हैं सुबह के 11 और हम जा रहे हैं बाहर ब्रेकफास्ट करने, डोसा खा के आएंगे। बाकी कल कुछ किया नहीं था तो कल इतना ज़्यादा शूट नहीं किया और कल वीडियो भी नहीं डाली। बाकी अभी चलते हैं और वहाँ मिलते हैं। अब सब लोग यही सोच रहे होंगे कि हैदराबाद आके भी मैं बिरयानी नहीं खा रहा, उसका भी रीज़न है मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ। It is what it is. बाकी इधर का एरिया अच्छा है काफ़ी। कल तो हम ज़्यादा घूमने गए नहीं थे कहीं, तो आज थोड़ा बिजी डे रहेगा, लाइक 2-3 जगह विजिट करेंगे। अभी तो जा रहे हैं गोलकोंडा फोर्ट, करते हैं यहाँ का बहुत फेमस है, फिर एक लेक जाएंगे और एक स्टैचू देखने जाएंगे। तो ये फोर्ट एक हैदराबाद का बहुत बड़ा टूरिस्ट स्पॉट है यहाँ का, तो अभी चलते हैं और वहाँ विजिट करते हैं। फोर्ट थोड़ा ओल्ड हैदराबाद में ही आता है और थोड़ा मुस्लिम एरिया भी है इधर। ये इनके पहले इतने बड़े बड़े दरवाजे थे, पता नहीं इसमें से क्या ही बाँटते थे ये लोग, शायद हाथी वाथी जाते हैं इसमें। किला तो बहुत बड़ा है और लोग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, पैसा बहुत था यहाँ के राजाओं के पास। ये देखो महल के अंदर से भी कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ का। तो अभी हमें वहाँ ऊपर तक जाना है चढ़ के, यहाँ से सीढ़ियाँ जा रही हैं, तो भी ऊपर चलते हैं और ऊपर से हैदराबाद का व्यू दिखाते हैं आपको। ये तो बहुत ऊपर है, जो जोश में हम चढ़ तो रहे हैं, ये नहीं पता उतरे ही कैसे। फाइनली हम ऊपर आ गए हैं बहुत मेहनत के बाद। ओए इतना यहाँ से घर जाना है, उस डायरेक्शन में सीधी निकल जा, दिखिए मन्ना। तो अभी हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ इक्वालिटी,
वो अभी भी थोड़े टाइम पहले ही बना था, और कुछ टाइम पहले ही मोदी जी आए थे वहाँ पे उसका उद्घाटन करने, तो जाना बनता है देखने, तो चलते हैं वहाँ पे। तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, बहुत गाड़ियाँ हैं यहाँ पे, अंदर तो पता नहीं क्या ही होगा। इसे भीड़ नहीं कहते, इसे बहुत ज़्यादा भीड़ कहते हैं। यहाँ पर भी बहुत चलना पड़ेगा स्टैचू तक जाने के लिए, वो वहाँ उधर स्टैचू है और ये पूरा रास्ता हमें ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। एक वॉक और जुड़ गई। तो मैं आपको बता रहा था कि यहाँ कितनी भीड़ है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कितनी भीड़ है। अंदर जाने का प्लान तो कैंसिल करना पड़ेगा, तो हमने तो प्लान कैंसिल कर दिया था अंदर आने का, बट हम बाहर निकले तो एक बहुत ही अच्छे आदमी मिल गए थे हमें। हमने उनसे थोड़ी बातें की कि बहुत भीड़ है अंदर, आप ले जा सको तो हमें अंदर तक उन्होंने छोड़ा, बहुत काफ़ी आगे लाइन में पहुँचा दिया। अब बाकी अंदर चलते हैं और इस मूर्ति को देखते हैं। उसमें एक क्लिप आई जो कि मतलब मैं लेना कुछ और जा रहा था बट आ कुछ और गया, तो काइंड ऑफ फनी लगे मुझे, तो देख लेना वो आप।